हेलो बच्चों, इस वीडियो लेक्चर का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, है ना। सॉलिड स्फीयर में भी वही तीन केसेस है जो हॉलो स्फीयर में है। एक है पॉइंट आउटसाइड, पॉइंट ऑन द सरफेस एंड पॉइंट इनसाइड। हमेशा पॉइंट का डिस्टेंस रहा है स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। अब तीनों केस में हम लोगों को फोर्स पता है। इस केस में फोर्स कितना लगेगा, यहाँ पे जी कैपिटल एम, यहाँ पे हम लोगों ने एक एम नॉट मास कंसिडर किया, तो जी कैपिटल एम एम नॉट अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है फोर्स अपॉन टेस्ट मास। अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे जी एम एम नॉट अपॉन आर स्क्वायर अपॉन एम नॉट कैंसल हो जाएगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बन जाएगा जी एम अपॉन आर स्क्वायर यहाँ पे। नाउ इस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस, यहाँ पे अगर एम नॉट मास कंसिडर किया, हमारा टेस्ट मास कंसिडर किया, तो कितना आएगा यहाँ पे जी कैपिटल एम एम नॉट अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल आर जो है डिस्टेंस, ये कैपिटल आर के बराबर है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना आएगा, फोर्स अपॉन मास जी कैपिटल एम एम नॉट अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एम नॉट, एम नॉट कैंसल, तो ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया जी एम अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। इनसाइड में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कितना रहेगा, जी कैपिटल एम स्मॉल, यहाँ पे इनसाइड में हम लोग एम नॉट मास कंसिडर अगर किया, हम लोगों ने एम नॉट मास कंसिडर किया, तो एम नॉट आर अपॉन कैपिटल आर क्यूब, ये फॉर्मूला है। ये सभी फॉर्मुलेस, एक वीडियो का लिंक आया हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स का, उस वीडियो में आप जाके देख सकते हो। तो ये फोर्स होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड कितना रहेगा, फोर्स अपॉन टेस्ट मास जी कैपिटल एम एम नॉट स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब अपॉन एम नॉट कैंसल होगा, ई इज इक्वल टू जी एम स्मॉल आर अपॉन आर क्यूब। तो ये हो गया हमारे फॉर्मूले, आउटसाइड सरफेस और इनसाइड के, ठीक है। अब ये तीन फॉर्मूले आपको नोट डाउन करने हैं, इसके रिलेटेड हम लोग ग्राफ देखेंगे अभी, ओके। वो ग्राफ कैसा आएगा देखिए, यहां पे मैं फॉर्मूले रहने दूंगा, ओके। नाउ ग्राफ है आर वर्सेस ई वर्सेस आर का, ओके। जब आर जीरो है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, लेकिन जैसा जैसा आर बढ़ते जाएगा सेंटर से, जैसे जैसे आर बढ़ते जाएगा कहां तक, सरफेस तक, तो ये फॉर्मूला लगेगा। तो वो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि जी एम और कैपिटल आर तो कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ इस तरीके से आएगा। जैसे ही वो सरफेस पे आ जाएगा, स्मॉल आर बढ़ते बढ़ते यहां पर सरफेस तक आ गया, तो सरफेस पे उसका वैल्यू कितना हो गया, ये पॉइंट पे स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, तो सरफेस पे वैल्यू हो गया जी एम अपॉन आर स्क्वायर। और फिर जैसे जैसे तुम बाहर चले जाओगे, तो वो डिस्टेंस जो है उसके हिसाब से फॉर्मूला क्या लगेगा, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो यहां से ग्रेविटेशनल फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर का ग्राफ इस तरीके से आएगा। तो यह रहेगा ग्राफ फॉर सॉलिड स्फीयर। हॉलो स्फीयर के लिए ग्राफ आया था इस तरीके से, वो ध्यान में रखना है आपने, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।